हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को सबसे टॉप में यूट्यूब सर्च में कैसे आप रैंक कराएंगे। तो फ्रेंड्स, एकदम सही जगह पे आए हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए। वीडियो को बस पूरा ध्यान से देखिए, आप जो है खुद ही रिजल्ट्स जो है आप सभी के सामने होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2021 में आप जो भी टेक्निक अप्लाई करते थे फिलहाल के लिए सब भूल जाइए। अब आपको जो है 2022 के हिसाब से सोचना है कि 2022 में आप सभी को ये काम कैसे करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो देखते हैं कि कैसे जो है हमें क्या क्या स्ट्रेटजी जो है यहाँ पे अप्लाई करनी है और कैसे हमारा चैनल सबसे टॉप में शो कराना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली ट्रिक है आपको जो है अपने चैनल का नेम एकदम यूनिक रखना है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने अपने चैनल का नाम जो है रख लिया है, इसके ऊपर मैं कोई बहस नहीं करना चाहता या कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कैसे रखना है क्या रखना है। आप सभी पहले ही बहुत इंटेलिजेंट है, इस तरीके से जो है आप सभी कोई भी नाम जो है रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अब आपको करना क्या है, आपको अपने चैनल का लोगो डिज़ाइन करना है और चैनल का कवर इमेज, जो कवर इमेज आपको शो होता है यूट्यूब में, इसको जो है डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे जो है, जब आप मान लीजिए आपने लोगो भी डिज़ाइन कर लिया और कवर इमेज भी डिज़ाइन कर लिया, आपको जो है अब अपने चैनल का लोगो में अपने चैनल का नेम और लोगो लिखना है और उसमें अपने चैनल का हैशटैग देना है। यही सेम काम आपको जो है अपनी कवर इमेज में भी करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे चैनल का नाम मिस्टर बॉट है, इस पर जो मैंने लोगो अपलोड किया हुआ है, इस अपलोड का जो फाइल नेम है वो है मिस्टर बॉट स्पेस लोगो स्पेस हैशटैग मिस्टर बॉट डॉट png, ठीक है। ये तभी मैंने इसको अपलोड किया है, इससे पहले मैंने और भी काम किए हैं वो भी बताता हूँ। यही सेम काम आपको कवर इमेज में भी करना है। आपके चैनल का नाम जो भी है, मैं अपने नाम से एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, जैसे मेरे चैनल का जो कवर इमेज है उसका नाम है मिस्टर बॉट कवर इमेज स्पेस हैशटैग मिस्टर बॉट, ठीक है। इस नाम से जो है मैंने फाइल को बना रखा है और इसको जो है यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। लेकिन अपलोड करने से पहले आपको अब एक काम और करना है, आपको डायरेक्टली अपलोड नहीं करना है। आप क्या करते हैं, डायरेक्टली लोगो बना लिया, कवर इमेज बना लिया, डायरेक्टली अपलोड कर दिया, नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको जो अपने लोगो है और आपका जो चैनल का कवर इमेज है, इसमें ऑफलाइन SEO करना है। वो कैसे करना है, आपको जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और इसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसकी रेटिंग, इसमें कमेंट, ठीक है, अपने चैनल से रिलेटेड जो भी हैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर देना है। चाहे वो कवर इमेज हो, चाहे वो आपकी ये लोगो हो, दोनों में ही अप्लाई कर देना है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ तक के सारे स्टेप्स जो है आप सभी फॉलो कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि आपको जो है अपने YouTube स्टूडियो में आना है, चैनल कीवर्ड्स में आना है और यहाँ पे जो है अपने चैनल से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं वो सभी यहाँ पे फिल कर देने हैं, ठीक है। जो भी आप नेम दे सकते हैं आगे पीछे करके, कुछ लोग गलत स्पेलिंग करके भी जो है सर्च करते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको जितना डाल सकते हैं उतना आप इसको यूज़ करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये भी आपको SEO कराने में और चैनल को टॉप में रैंक कराने के लिए। अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स, आपको एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को ध्यान रखिए, आपने सब कुछ कर लिया अपने चैनल पे, अब आपको जो है अपने जब जो भी आपने वीडियो अपलोड करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपना हैशटैग देना बहुत ज़रूरी है अपने चैनल का, ठीक है। और आपका जो चैनल का वीडियो टैग वाला सेक्शन है, जो आपके जो वीडियोस, जो भी वीडियो आप अपलोड करते हैं, उस वीडियो के वीडियो वाले टैग सेक्शन में अपने चैनल का नेम से जो टैग है उसको ज़रूर यूज़ कीजिए हर वीडियो में। बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस टेक्निक का आप यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, ये सभी टेक्निक्स का 2022 में आपका चैनल जो है एकदम टॉप पे जो है आपको शो होने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो काम सब करते हैं उससे थोड़ा सा अलग जो है आपको करना पड़ेगा, तभी जो है आप लोगों से थोड़ा सा अलग दिखेंगे और आपका चैनल भी जो है, अगर आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वाकई में आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी तो आपको फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो इसके रिजल्ट्स हैं एकदम देखने को मिल जाए, कभी कभी हो सकता है कि 10-15 वीडियो अपलोड करने के बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, तो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन आपको रिजल्ट्स जो हैं 100% देखने को मिलेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। बस थोड़ा सा अपने चैनल का नेम यूनिक रखिएगा तो फिर जल्दी रैंक करेगा। अगर आपका मान लीजिए सेम नेम से चैनल है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, फिर डिपेंड करता है कि चैनल पे वॉच टाइम ज़्यादा है, किस चैनल पे ऑडियंस ज़्यादा है, सब्सक्राइबर कितना है, यानी बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। अगर चैनल का नेम यूनिक हो तो और भी जल्दी जो है रैंक होने में हेल्प मिल जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि कोई बड़ा चैनल है तो उससे पहले भी आपका चैनल जो है रैंक कर जाता है, तो ये भी कभी कभी हमें एडवांटेज जो है देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैंने आपको जो है सारी बातें बता दी है कि आपको जो है कैसे 2021
2022 में आपको अपने YouTube चैनल को YouTube सर्च में कैसे टॉप पे रैंक करवाना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।